सोमवार को कार्यालय मुख्य अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम मोहद्दीपुर विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सचिव ब्रिजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में छठवें दिन भी हजारों की संख्या में विद्युत कर्मी निजीकरण के विरोध में अपने सभी संगठनों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सड़क पर उतरे और मानव श्रृंखला का निर्माण किया, निजीकरण का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किए। सचिव विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने कहा कि ये जनता की लड़ाई है, हम जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निजीकरण बंद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर के रूपेश कुमार श्रीवास्तव और सचिव विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया। श्रीवास्तव अध्यक्ष राज कर्मचारी संघ परिषद, इसका कार्यक्रम मानव श्रृंखला का है। हम मानव श्रृंखला के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि तत्काल निजीकरण बंद करें, और निजीकरण का सवाल ही नहीं उठता। अभी देखा जाए तो लखनऊ के जितने मंत्री हैं, यहाँ तक कि बिजली मंत्री का भी बकाया बाकी है, और जितना भी वहाँ के जो विभाग है, जितने भवन है, जवाहर भवन से लेके इंदिरा भवन और राजदित्री, सब जगह का पैसा बाकी है। स्वयं जो डिप्टी सीएम है उनका भी पैसा बाकी है। यदि सारे पैसों को ही वसूल दिया जाए तो अरबों रुपया हो जाएगा, तो कहाँ से आपका घाटे में है। ये सिर्फ कमीशनबाजी के चक्कर में ब्यूरोक्रेट का नए तरीके से हाई टेक्नोलॉजी के तहत विभागों को सीधे सीधे बेचना चाहते हैं, और न ही विभाग में आगाह करना चाहता हूँ, सभी विभाग को भी करना चाहते हैं। इसीलिए मैं बतौर राज कर्मचारी संघ परिषद के अध्यक्ष से पूरे राज कर्मचारी से आंदोलन होंगे, और आने वाले दिनों में सरकार ने अपना रुख वापस नहीं दिया तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश का कर्मचारी आंदोलन पर जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मंत्री धर्मपाल सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि किसी भी विद्युत कर्मी को जो निकाला नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग का विरोध क्या है, मुख्य मांग? देखिए, मैं आपका जो आप बता रहे हैं धर्मपाल जी, जो प्रभारी मंत्री हैं कैबिनेट के, मैं आपके चैनल द्वारा देखा हूँ, उन्होंने कहा कि विद्युत कर्मियों को कोई अहित नहीं होगी। हम अपने अहित के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम यहाँ उपभोक्ताओं की जो शोषण की जाएगी, जो टोरंटो द्वारा किया जा रहा है, इसका उदाहरण है, उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारा क्या, हमारा तो आज यहाँ रहेंगे, कल मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जो उपभोक्ताओं की शोषण की जाएगी, और जो ये कह रहे हैं कि हम फायदा देंगे उपभोक्ताओं को, उसका हमारा विरोध है। जो व्यवस्था लाएंगे वो बहुत अहित है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उपभोक्ता हैं बिजली विभाग के, तो हर व्यक्ति से हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिचित हैं, सबका शोषण होगा। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, हम कर्मचारियों के हित के लिए नहीं विरोध कर रहे हैं। अभी देख रही है कि हम अनदेखी कर रही है कि वो 2000 में जो आपने प्राइवेट वो बोर्ड को तोड़ा था और हमारी कंपनी बनाई थी, यही सरकार चाह रही है कि वही समय है, लेकिन वो सरकार ये भूल जाए, वो समय नहीं रह गया है। सभी हमारे जितने संगठन हैं और कर्मचारी वर्ग विभागों के, वो भी हमारा समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं जिस दिन आपकी लड़ाई सड़क पर आ जाएगी, उस दिन हम कंधे पर कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे, और हम भी अपना विभाग और हड़ताल के लिए उत्साहित करेंगे।